आज हम आए हैं न्यू डुप्लिक का रिव्यू देने के लिए। ठीक है, ये बाइक है नया ब्लैक, इंडोनी ब्लैक कलर है ये। ठीक है, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे भाई, वो बात है बच्चों के, आज देखते तो आप कल्चर डैक्स हमारा किया है, ये बाइक का रिव्यू देना है हमको आज। ठीक है, इसमें 249 cc का LC4 cc का मिक्रोफुल इंजन आता है। ठीक है, इसमें कम से कम मैक्स पावर आता है 31 bhp का, और नेक्स्ट टॉक आता है 25 cc, जिसमें WPHS का सस्पेंशन दिया गया है पीछे, और रियर में सभी आगे फ्रंट में 24 से 20 सस्पेंशन दिया गया है। ठीक है, और पीछे भी अपना 24 का सस्पेंशन दिया है, ये अपना एडजस्ट करता है अपने हाइट के हिसाब से। और इसका सीट हाइट का कम से कम 8 mm का सीट हाइट है, मतलब अपने मेरे 5.4 है हाइट, समझ रहा ना, उसके हिसाब से कोई भी नॉर्मल बंदा इसको आराम से चला सकता है। और पहले से जो सीट बहुत हार्ड आती थी KTM की, मतलब मेरी भी है, मतलब उसके हिसाब से अभी बहुत मतलब स्मूथ होता है, मतलब इतना हार्ड नहीं है। और इसका फुल टैंक का कैपेसिटी पहले 13 लीटर का आता था, अभी ये 15 लीटर का हो चुका है। और ये देखो पहले गार्ड देखो ना, अपना ये सस्पेंशन को प्रोटेक्शन करने के लिए, ये पहले ये ऐसा नहीं आता था, अभी आता है इसमें, तो ये जब ड्रेस वगैरह और नीचे वगैरह ना हो, तो 320 mm का ये अपना डिस्क, और इसमें कूलिंग का भी सिस्टम दिया है, जिसमें कि ये गर्म ज़्यादा ना हो अंदर है इसमें। ठीक है, और फोर सिस्टम बाई डे का अच्छा है। ठीक है, और ये पीछे से इसका प्रोटेक्शन भी अच्छा देखो, ये अपना CLD है, और ये मैं ब्लैक कर दूँ तो दिखा था आपको, क्या हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है, ओपन हो गया, हाँ हो गया हो गया। तो ये LED लाइट देखो की लिखा हुआ आता है इसमें साइड में से। ठीक है, और आगे का टायर का तो सेक्शन है 110 mm का, और पीछे का 150 cc का आता है टायर, और इसमें और फिर अपना ये स्विचेस देखो ना, अपनी ये 5 inch की CFC डिस्प्ले, अभी कलरफुल वाला एकदम सेम टू सेम 390 का। ठीक है, इसमें मोड वगैरह बहुत आता है, तो ये राइडिंग मोड है, दो राइडिंग मोड है, फिर ये ABS, मैं अभी पीछे वाला रेयर वाला एडेस बंद कर सकते हो। ठीक है, सुपर मोड और रोड मोड दो मोड आते हैं इसमें, और फीचर्स भी अच्छे लगते हैं, क्वालिटी वगैरह सब, क्योंकि पूरा मतलब कोई ATM हर चीज़ की चीज़ सुनता है, मतलब समझ, तो खाली इसमें खाली एक प्रॉब्लम है कि 390 जैसा अपना देखो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए आता है, पर ये नहीं आता इधर दोनों साइड में, तो आपका सामने से खड़े काम एडजस्ट नहीं आता, लीवर हो कि ब्रेक हो दोनों कोई भी एडजस्ट नहीं होता है। और ये DRL भी आता है, पहले नहीं आता 250 में, अभी नया लॉन्च हुआ है तो इसमें DRL भी दिया है, एकदम सेम टू सेम 390 जैसा ही लग रहा है ये, एकदम मतलब 390 वाले के साथ स्कैम हो चुका है, समझ रहे हो ना, ये DRL देखे, और डिस्प्ले भी आ चुका है अपने बाइक में। ठीक है, तो अभी क्या बोलूँ, और सामने से देखते ऐसा लगता है कि 390 ही है, 250 लगता ही नहीं है, कोई भी लेगा तो उसको शॉक हो जाए, खाली इंजन का ही फर्क है, बाकी एकदम सब कुछ सेम ही है, डिस्प्ले भी आ गया अपना 5 inch का, समझ रहे हो ना, ये कलरफुल डिस्प्ले 5 inch का, खाली उसमें कि 390 लिखा हुआ आता है, इसमें रेडी टू रेस लिखा हुआ आता है, बाकी एकदम सब कुछ सेम है। और ये ब्लैक कलर बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, और मुझे बहुत ब्लैक कलर पसंद भी है, तो ये 390 में भी कलर आ जाएगा तो बहुत लोग खरीदेंगे इसमें। अभी जो कलर के वजह से अपने जो बाइक का नाम ख़राब होता है, ऑरेंज कलर ज़्यादा रहता था पहले, अभी KTM ये सुधार रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ब्लैक कलर एकदम क्लासिक कलर है ये, अभी क्या लोग खरीद ले गए, पसंद भी बहुत आ रही है बाइक। और इसमें फिटिंग और फिनिशिंग देखो, वायर भी देखा आपने, इधर ही हमको पता नहीं चलेगा भाई इधर से गया इधर उधर, मैं KTM फिनिशिंग बहुत अच्छा है, और क्वालिटी के लिए तो KTM जाना ही जाता है अपनी नाम से ही। और इसमें बाइक डिरेक्शनल इंस्ट्रक्टर भी दिया गया है, ठीक है, अप डाउन आप कितने भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कुछ नहीं आएगी। तो गाइस अभी इसका एग्जॉस्ट मोड सुनते हैं आप लोग, देखो एग्जॉस्ट मोड सुनिए कितना स्मूथ आवाज़ आ रहा है, चलो अभी ट्राई करके आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आवाज़ का इश्यू होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना भाई, क्योंकि माइक का वो केबल एक हमारा टूट गया है इसके लिए। ठीक है, यार यार क्या लग रहा है, गाड़ी यार एक नंबर धमाका लग रहा है, तो यूज़ कर रहा है। और इसमें भाई स्कूल सीटर भी दिया है, देखो इतना अच्छा काम कर रहा है, और चलना है यार, क्या चलना है।
गाड़ी देखते तो मन खुश हो गया मेरा। तो भाई आग बंद करके ये गाड़ी ले ला दे, मेरा सजेशन करूँगा तो भाई कुछ कमी नहीं है, सब कुछ दे दिया है मैंने। हाँ कलरफुल डिस्प्ले है, पहले कलरफुल नहीं आता था, DRL भी नहीं आता था, DRL भी आ गया, कलरफुल डिस्प्ले भी आ गया, समझ रहे हैं। तो हर एक चीज़ दे दिया मेरे पास, हाँ तो ऐसा कोई एक चीज़ बाकी नहीं है कि आपको ऐसा करना पड़ेगी, मेरे को मिला नहीं है चीज़। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो आराम से आप टू पूरे आग बंद करके ले सकते हो। ये कहते हैं हमारा जन है अपना सूरत में, ठीक है, ये अपना संजय भाई है, उनका नंबर मैं कदम देता हूँ, कुछ भी पूछना हो कैसा क्या करना है तो उनसे बातचीत कर सकते हो, साइड में कहा नंबर आ जाएगा उनका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कॉमेंट शेयर करो, ठीक है, टाटा बाय बाय।